डिस्ट्रिक्ट शेरानी में जो फायर आउटब्रेक हुआ है, 12 मई 2022 को फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट हुई डिस्ट्रिक्ट शेरानी मूसा खेल में, और ये जो पहाड़ी सिलसिला है मजरी और तोरगर का कोहे सुलेमान, कुछ इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए ज़िमरी के इलाके में और खजूरी के इलाके में। और ये फायर रिपोर्ट जो हुई है, ये तख्ते सुलेमान का एरिया है इन चिलगोज़ा फॉरेस्ट। और अब कुछ इलाके के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 12 मई को तोरगर में ये फायर रिपोर्ट हुई, जिस पर फौरी इकदामात लिए गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से और इस पे काबू पा लिया गया। लेकिन 20 मई को ये फायर आउटब्रेक दोबारा रिपोर्ट हुआ इन डिफरेंट पैचेस। इसके साथ साथ ये तोरगर और चमजई जो फायर जहाँ से ओरिजिनेट हुई है और इसका सोर्स और जो रीज़न है उसका भी पता लगाया जा रहा है, उसके भी जो वजह है वो जल्द सामने आ जाएगी। ज़िमरी का जो इलाका है, यहाँ पर ड्यू टू लाइटनिंग ये फायर आउटब्रेक हुआ। खजूरी का जो इलाका है, यहाँ पर ड्यू टू लोकल पीपल ये जो फायर आउटब्रेक है इसका सिलसिला शुरू हुआ, जिसके हवाले से जो लीगल एक्शन है वो ले लिया गया है। इसके साथ साथ जो डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं वो 3 के करीब हैं, और माइनर जो बर्न्स हैं, इंजरीज हैं, वो 4 हैं। इसके 15 जो मिसिंग लोग थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू कर लिए गए हैं। अब मैं आती हूँ जो स्टेप्स वर टेकन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इनिशियली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे इंगेज किया गया, और उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी इंगेज किया गया। डिपार्टमेंटल टीम्स हेडेड बाय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ एंड सुपरवाइज्ड बाय कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एडमिन एंड कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जोब डिवीजन कंप्राइजिंग फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फील्ड स्टाफ्स आर ऑन साइट। कमिश्नर जोब ने 19 मई को इमरजेंसी डिक्लेयर की यहाँ पर, और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम एट सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफिस में इस्टेब्लिश कर दिया गया, और 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर फ्रॉम NDMA जो हैं वो वहाँ पर पहुँचा दिए गए। इसके साथ साथ फॉरेस्ट कैंप्स ऑफिस एट सुरलकी डिस्ट्रिक्ट शेरानी, सेक्रेटरी फॉरेस्ट कैंप ऑफिस एट सुरलकी डिस्ट्रिक्ट शेरानी, और इसे कंट्रोल करने के लिए ये जो स्प्रेड था वहाँ पर, बाकी जो फॉरेस्ट एरिया डिपार्टमेंटल स्टाफ एंड कम्युनिटी वॉलेंटियर्स उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है ऑन मेकिंग फायर लाइंस, बैरियर्स और जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पर पहुँचाने शुरू कर दिए हैं। PDMA की जानिब से जो सपोर्ट वहाँ पर आई, रेस्क्यू टीम 1122 डिस्पैच्ड टू साइट विद 3 एम्बुलेंस, 1 फायर ट्रक, 1 वैन, 1 सैटेलाइट व्हीकल और 15 रेस्क्यू पर्सन्स। इसके साथ साथ PDMA ने फायर बॉल्स वहाँ पर डिस्पैच किए
और जो रिक्वायर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो भी उनकी तरफ से प्रोवाइड किए गए। पीडीएमए का कैंप भी सुरलेकी डिस्ट्रिक्ट शेरानी में कायम कर दिया गया है टू कंट्रोल ऑफ फायर इक्विपमेंट बीइंग प्रोवाइडेड बाय पीडीएमए। एफएओ की जो सपोर्ट है वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, जो रिलीफ आइटम्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ साथ हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी की टीम एफसी जो है वो डिप्लॉयड वहाँ पर कर दी गई है फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। इसके साथ साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट एंड इमीडिएट एक्शन, एंड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू द रिपब्लिक ऑफ ईरान, उन्होंने हमें फौरी तौर पर एक फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस एयरक्राफ्ट फ्रॉम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। बाकी भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हें जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी गई है ताकि मज़ीद कोई टेक्निकल और ऑपरेशनल जो ज़रूरत हमें इस सिलसिले में पड़े वो हमें हासिल हो जाए बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो हाई लेवल की एक मीटिंग कल ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिसंजो, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर मौलाना अब्दुल वासे, ऑनरेबल कॉप्स कमांडर जनरल सरफराज, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी फॉरेस्ट, डीजी पीडीएमए सब उसमें शामिल थे। और इसके साथ साथ फौरी टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी गई है फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशन एट डिस्ट्रिक्ट शेरानी। एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए हैं तमाम प्रोविंसेस को फॉर द नेसेसरी मेजर्स। अब जो ये आउटब्रेक फायर आउटब्रेक जो शुरू हुआ, इससे पहले भी यहाँ पर इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं, लेकिन वो इस एक्सट्रीम पर, इस शिद्दत जो थी जो इस बार इख्तियार की है, तो पहले इस तरह नहीं हुआ। और जो एक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कुछ दिन जो मज़ीद इसमें लग गए इसे कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ जो वजह थी कि ये आउटब्रेक जो बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हुआ, इसकी ख़ास तौर पर जो वजह थी वो ऑफ़ कोर्स ड्यू टू ड्राई ड्राउट स्पेल्स और हाई विंड वेलोसिटी, इसकी वजह ये जो असल वजह है वो ये बनी। इसके साथ साथ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनके पास कोई उनकी जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी और जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, बाय द चीफ मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सारे जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं विद द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इस पर बहुत जल्द जो है वो काबू पा लिया जाएगा। कि पीडीएमए रेस्क्यू टीम 1122 डिस्पैच टू द साइट विद 3 एम्बुलेंस, 1 फायर ट्रक, 1 वैन, 1 सैटेलाइट व्हीकल एंड 15 रेस्क्यू पर्सन्स। और इसके लिए फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पर इस पर इंटरेस्ट लेके वो देख रहे हैं, प्लान्स तैयार हो रहे हैं, और जो एक टास्क फोर्स है वो भी तश्कील दे दी गई है।